हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। पावर सिस्टम, पिछले वीडियो में आपको बताया था ना, ये वेरिएबल सिस्टम ऑफ ट्रांसमिशन तक बताया था। अब इसमें बताया है डीसी सिस्टम। डीसी सिस्टम इज अ टू वायर डीसी टू वायर एंड विथ मिड पॉइंट इन अर्थ, डीसी इन थ्री वायर। ये आपका मेन मेन पॉइंट है। अब इस पर डायग्राम भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। सिंगल फेज एसी सिस्टम, सिंगल फेज टू वायर मिड पॉइंट इन अर्थ, सिंगल फेज थ्री वायर, टू फेज एसी सिस्टम, टू फेज फोर वायर, टू फेज थ्री वायर, थ्री फेज एसी सिस्टम, थ्री फेज थ्री वायर, थ्री फेज फोर वायर। अब देखिए डीसी सिस्टम का डायग्राम देख लीजिए, डीसी सिस्टम टू वायर का डायग्राम देख लीजिए कैसे है। अब डीसी टू वायर विथ मिड पॉइंट इन अर्थ, अर्थ के साथ इसके बीच में मिड पॉइंट है, ये अर्थ है इसमें। अब चलिए डीसी थ्री वायर, तीन वायर है, एक दो तीन, ये तीनों वायर इसमें है। अब चलिए सिंगल फेज एसी सिस्टम में, सिंगल फेज टू वायर, देखिए दो वायर हो गया, सिंगल एक फेज होगा, दो वायर हो जाएगा। अब सिंगल फेज टू वायर विथ अ मिड पॉइंट ऑन अर्थ, एक बीच में एक मिड पॉइंट है, ये अर्थ हो गया। अब दो वायर हो गया, अब इसमें सिंगल फेज थ्री वायर, सिंगल फेज है बट थ्री वायर, एक दो तीन, ये तीनों है। टू फेज एसी सिस्टम, टू फेज थ्री वायर, दो फेज रहेगा और तीन वायर रहेगा, एक दो तीन, ये तीनों है, तीन वायर, एक स्मार्थिंग लगा हुआ है। अब थ्री फेज फोर वायर, तीन फेज रहेगा और फोर वायर रहेगा, कैसे, बी हो गया, डी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, ये तीनों रहेगा, ठीक। दो फेज का रहेगा, चार वायर रहेगा इसमें। अब थ्री फेज थ्री वायर, तीन फेज रहेगा, एक दो तीन, तीनों ही हो गया, तीन वायर हो गया। अब जाइए थ्री फेज एसी सिस्टम में, थ्री फेज फोर वायर, एक बीच में से दिया हुआ है और एक तीन तो रहेगा ही रहेगा। अब चलिए लाइन क्या है, ओवरहेड अंडरग्राउंड, मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइन क्या होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सपोर्ट, क्रॉस सेक्शन एरिया और मटेरियल। अब लाइट इन एस्टीमेटर क्या होता है, डेंजर प्लेट होता है, फेज प्लेट होता है, एंटी क्लैम्पिंग वायर होता है। और उसके बाद कंडक्टर ऑफ मटेरियल क्या, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड क्या होता है, कॉस्टली होता है, कॉपर। कंडक्टर टेनलेस स्ट्रेंथ और उसका मैनुबल एंड डिक्लेवर। अल्मोनियम क्या, अल्मोनियम जो कॉस्टली होता है, देन कॉपर, कॉपर से ज़्यादा कॉस्टली अल्मोनियम होता है। लाइट वेट इंटेंसिटी कितना होता है, 2.71 ग्राम पर सीसी अल्मोनियम का होता है, 8.9 ग्राम पर सीसी कॉपर का होता है। रेसिस्टेंस ऑफ मोर देन कॉपर, रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर से ज़्यादा होता है, अप्रॉक्स 1.2 टाइम देन कॉपर, लेस टेंसल स्ट्रेंथ होता है, एक्सपेंसिव ऑफ मोर देन कॉपर, कॉपर से एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंशन ऑफ लाइन, मोर सेगा स्टील कोर अलॉय कंडक्टर होता है, ACSR क्या होता है, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, अल्मोनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड केबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, जरूर इसका फॉर्मूला ये देख लीजिएगा, फुल फॉर्म देख लीजिएगा इसका। ग्रेनुलर स्टील टू रिड्यूस सेगा होता है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज टू सेगा, कंज्यूम्ड इन कॉपर 1% और 2% होता है, टेंसल स्ट्रेंथ इंक्रीज 50% होता है, कंडक्टिविटी रिड्यूस बाय 15% और कोल हायर देन कॉपर कंडक्टर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लाइन सपोर्ट में क्या होता है, कौन कौन सा होता है लाइन सपोर्ट में, वुडन होता है, पोल होता है, आरसीसी होता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है, और उसका स्टील पोल होता है। उसके बाद ये ओवरहेड लाइन कोरोना क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ टू कंडक्टर हैविंग द लार्ज स्पेस एंड कंपेरिजन टू डायमीटर, देयर इज अ नो चेंज इन एटमोस्फेरिक एयर सराउंडिंग टू द वायर इन अप्लाई द वोल्टेज इज अ लो। नेक्स्ट पॉइंट पर गया, एज अप्लाई टू अ वोल्टेज
एक्सियुड इज कॉल्ड क्रिटिकल डिस्पैच इन वोल्टेज द कंडक्टर आर सराउंडिंग बाई द फिनेट इन वेटलिंग ग्लो इज कॉल्ड कोरोना।